सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल कायाकृति को और लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए बेल बटन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कायाकृति में। आज के वीडियो में मैं आपके साथ मैंगो श्रीखंड या आम्रखंड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो इन गर्मियों में जब आप इसे बनाकर ठंडा ठंडा खाएंगे तो यकीन मानिए आप इसके टेस्ट को भूल नहीं पाएंगे। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होता है और आप इसे दोबारा ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं मैंगो श्रीखंड या आम्रखंड को बनाना कैसे है। मैंगो श्रीखंड या आम्रखंड को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 500 ग्राम दही, एक पका हुआ आम। आप किसी भी तरह के पके हुए आम का यूज़ कर सकते हैं, बस आम अच्छे तरीके से पका हुआ होना चाहिए और बहुत ज़्यादा रेसे वाले आम का यूज़ ना करें। 4 से 5 चम्मच पिसी हुई चीनी, चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 10 से 12 केसर के धागे, 2 से 3 चम्मच दूध की मलाई। दूध की मलाई जब हम श्रीखंड में डालते हैं तो जो हमारा श्रीखंड बनता है वो थोड़ा सा क्रीमी बनता है और उसका टेस्ट बढ़ जाता है, तो अगर आपके पास है तो आप इसे ज़रूर डालें। 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, आप चाहे तो इलायची को कूट करके भी डाल सकते हैं, या आपको अगर इसका टेस्ट पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1 चम्मच बारीक कटा हुआ काजू और 1 चम्मच बारीक कटा हुआ बादाम। 2 चम्मच गर्म दूध में हम केसर के धागे को डाल देंगे और थोड़ा सा रहने देंगे गार्निशिंग करने के लिए, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साइड में रख देंगे। हमारा केसर वाला दूध बन करके तैयार हो जाएगा, तो अच्छे से मिक्स कर ले और इसे साइड में रख दे। अब हमें दही को थिक करना है तो इसके लिए एक बाउल लेंगे और उसके ऊपर स्ट्रेनर रखेंगे और इसके ऊपर हम सूती का या मलमल का कपड़ा बिछा देंगे और इसके ऊपर हम सारे दही को डाल देंगे। दोस्तों, दही में बहुत ही ज़्यादा पानी होता है तो हमें इसके सारे पानी को निकालना है और बिल्कुल थिक दही करना है, तो सारे दही को डाल दें। अगर आप चाहें तो दही जमाने की रेसिपी मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मैंने इसका वीडियो डाला है, मैं लिंक नीचे दे दूँगी। तो अब हम सारे कपड़े को ऐसे साइड से ऐसे पकड़ लेंगे ताकि दही में जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए, और इसे हल्के हाथों से हम निचोड़ेंगे। ध्यान रखिए, बिल्कुल हल्के हाथों से निचोड़ना है, बहुत ज़्यादा कस के प्रेस नहीं करना है, नहीं तो जो दही है वो बाहर निकलने लगेगा। ये देखिए, थोड़ा सा मैं इसे दबा देती हूँ तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी निकल रहा है। फिर इसे ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे। आप चाहे तो इसे नल के सामने टांग भी सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आप इसे नल के सामने टांग करके नहीं छोड़ें, नहीं तो आपकी दही खट्टी हो जाएगी। अब इसके ऊपर हम कुछ थोड़ा सा भारी रख देंगे ताकि इसका सारा पानी नीचे आसानी से निकल सके। अब इस बाउल को हटाकर इसे दूसरे बाउल के ऊपर रख देंगे। कभी कभी क्या होता है कि इसी बाउल में जब हम रखते हैं तो पानी टच करता है और ठीक से इसका पानी निकल नहीं सकता। अब इस बचे हुए पानी से आप बाल धो सकते हैं या आटा वगैरह गूंथ सकते हैं। अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए ताकि हमारा दही अच्छे से सेट हो जाए और दही ख़राब ना हो। 4 घंटे के बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है और हमारा दही अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल चुका है और जब आप इसे देखेंगे तो जो दही है वो बिल्कुल पनीर की तरह जम चुका होगा। तो इसे एक दूसरे बाउल में मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल पनीर की तरह लग रहा ना। कपड़े में से भी हम सारा जो दही है उसे निकाल लेंगे, इसे हटा देंगे। देखिए कितना सारा पानी निकला है। इस पानी का यूज़ आप आटा वगैरह सानने के साथ साथ अपने बालों में हेयर पैक बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम आम को छील लेंगे और इसके सारे पल्प को निकाल लेंगे। आप चाहे तो आम को 2 हिस्से में कट करके भी स्पून की मदद से इसके सारे पल्प को निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसके सारे पल्प को निकाल लेंगे और 1 आम का मैंने पल्प निकाल लिया है सारा, और 1 आम का आधा पीस को मैंने कट करके छोटे छोटे पीस में काट लिया और इसे एक अलग बाउल में निकाल लेंगे। इसे हम सर्व करते वक्त यूज़ करेंगे और इसे फ्रिज में रख देंगे ताकि ये भी ठंडा हो जाए। अब एक जार में हम सारे आम के पीसेस को डाल देंगे। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी नहीं है तो आम के साथ ही इसे ग्राइंड कर ले। अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और इसे साइड में रख देंगे। दही को अच्छे तरीके से फेंटना है तो इसके लिए आप इसे स्पून से भी मिक्स कर सकते हैं, या अपने हाथों की मदद से फेंट सकते हैं, या विस्प से फेंट सकते हैं। दही को हमें तब तक फेंटना है जब तक ये बिल्कुल क्रीमी ना हो जाए, फ्लफी ना हो जाए। तो अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। 1 मिनट अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी दूध की मलाई, क्योंकि हमें इसे भी अच्छे से मिक्स करना है। दूध की मलाई डालने से श्रीखंड का टेस्ट बढ़ जाता है और ये और ज़्यादा क्रीमी लगने लगता है, तो आपके पास है तो आप ज़रूर डालें।
और इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे 5 मिनट के लिए। हमें तब तक मिक्स करना है जब तक ये बिल्कुल फ्लफी ना हो जाए और क्रीमी जैसा ना हो जाए, फुल ना जाए। ये देखिए, ये बिल्कुल क्रीम की तरह लग रहा है ना। तो अब इसमें हम डालेंगे पीसी हुई चीनी। तो मैं यहाँ पे 5 चम्मच पीसी हुई चीनी का यूज़ कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब हम श्रीखंड को फ्रिज में रखते हैं तो ठंडा होने के बाद जो इसका टेस्ट होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, तो इसलिए आप चीनी अच्छे से डालें। अब इसमें केसर वाला दूध डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। केसर वाला दूध डालने से जो श्रीखंड का जो कलर होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है और इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो अगर आपके पास है तो आप इसे ज़रूर डालें, नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब इसमें हम डाल देंगे आम के पल्प को। तो मैं इसमें 4 चम्मच डाल रही हूँ और फिर हम टेस्ट करके देखेंगे और ज़रूरत होगी तो हम इसमें और डालेंगे। एक बार में आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो ये केवल आम आम जैसा लगने लगेगा। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे इलायची पाउडर और इन सभी को अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे जब तक कि ये सारा कुछ अच्छे से मिक्स ना हो जाए। अच्छे से मिक्स करें आप। जब अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो आप एक बार इसे टेस्ट करके देख लें और अगर आपको ज़रूरत लगी तो आप इसमें आम के पल्प को और ऐड करें। तो मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद एक बार टेस्ट करके देख लिया था तो मुझे ये थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैं इसमें बचा हुआ जो आम का पल्प है वो भी डाल दे रही हूँ। तो टेस्ट करके देख लें, अगर आपको लगे मीठा कम है या आम का पल्प है कम है तो आप इसमें डालें। अब इसमें हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ काजू और बारीक कटा हुआ बादाम डाल देंगे। ड्राई फ्रूट आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या जो पसंद नहीं है उसे हटा दें और जो पसंद है उसे डाल दें। अब इन सभी को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है ये। ये देखिए कितना क्रीमी लग रहा है ये देखने में। तो दोस्तों, इसे सर्व करने से पहले आप इसे ढक करके फ्रिज में रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए, क्योंकि श्रीखंड को हम ठंडा ही सर्व करते हैं। तो 2 घंटे के बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है और आप देख सकते हैं ये और ज़्यादा थिक हो चुका है और ज़्यादा क्रीमी लग रहा है देखने में। तो सर्व करने के लिए इसे बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए कितना थिक और क्रीमी लग रहा ना। तो जब भी आपको श्रीखंड खाना है तो आप इसे ठंडा ठंडा सर्व करें, ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। अब इसके ऊपर हम ठंडे ठंडे आम के पीसेस से गार्निशिंग कर देंगे। इसे भी मैंने फ्रिज में रख दिया था। फिर इसके ऊपर बारीक कटा हुआ बादाम और बारीक कटा हुआ काजू और थोड़ी सी केसर के धागे से हम इसकी गार्निशिंग कर देंगे। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमारा मैंगो श्रीखंड बन के तैयार हो चुका है, और इसका टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगता है। तो इन गर्मियों में ठंडे ठंडे श्रीखंड को आप बनाकर ज़रूर खाएं। यकीन मानिए आप इसके टेस्ट को भूल नहीं पाएंगे। तो अगर आपको मेरा मैंगो श्रीखंड या आम्रखंड की रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ 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 इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। नमस्ते।